खीमा बनाने के लिए जा रही हूँ। ये आधा किलो खीमा है, धो भी कर लिया है, कुकर में लगाया है। 3-4 सीटी लेने के लिए रख दे रही हूँ गैस पे। उसमें नमक डालती हूँ 1 चम्मच, हल्दी डालती हूँ 1 चम्मच, दूध ले लेने का भी, बिल्कुल पानी नहीं डालने का। जब तक कुकर में खीमा लगाया है तब तक प्याज मैंने लाल कर लिया है, 4 प्याज लिया था बड़े बड़े, और 4 टमाटर और 3-4 चम्मच तेल ऐसा डाल के पहला प्याज को लाल कर लिया, बाद में टमाटर डाल दिया। अभी उसमें डालती हूँ मैं अदरक लहसुन, अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसमें जाएगा घर का गरम मसाला। देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट भून चुका है, अच्छे से भून लेना है। प्याज टमाटर ज़्यादा लेना है, 4 टमाटर, 4 प्याज, 3-4 चम्मच तेल। इसमें जाएगा घर का मसाला, लाल मसाला घर का मसाला है हम लोग का। आप कौन सा भी मसाला यूज़ कर सकते हो लाल। देखो मसाला भून चुका है, अब जा रही हूँ कुकर खोलने के। पानी में डाल, देखो 4-5 सीटी मैं ले चुकी हूँ, बिल्कुल पानी नहीं डालता। सिलो गैस पर पका लिए खीमा, सिलो गैस पे पकाना है, पानी नहीं डालना है। इसमें डाल दे रही हूँ, देखिए अच्छे से मिला लेना है, 10-15 मिनट ऐसा हिला लेना है। पकने के लिए छोड़ देना है 10-15 मिनट। देखिए आपको सूखा चाहिए तो सूखा रख देने का, थोड़ा सा पानी लगाती हूँ मैं। देखो खीमा हो चुका है, इसमें जाएगा हरा मसाला, हरा धनिया, उसको। देखो हमारा खीमा बन चुका है, चलो अभी खुदा हाफिज़।